झारखंड के गढ़वा जिला में अभी हम लोग मौजूद हैं और मिराल प्रखंड के तेसर टोटका पंचायत से एक मामला आ रहा है। हालांकि हमारे साथ तो उस गांव के एक युवक हैं और इनका जो दर्द है काफ़ी दर्द भरा है। आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं किसान हैं और खेती गृहस्थी करते हैं और उनका जो खान पान जो है कहीं ना कहीं एक दयनीय स्थिति बना रहता है और लोग जो होते हैं खेती गृहस्थी पर निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी का जो उसका मवेशी है, उसका जो जीने का जो आधार है, अगर वो खो गया तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उस पंचायत के उनका जो है चार भैंस जो है वो खो गया है और लगभग तकरीबन ये 20 से 25 दिन हो गया है और ये काफ़ी दिन से लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और हर पंचायत में, हर मोहल्ले में इनके द्वारा लोगों को बताया गया है कि अगर इस हिसाब से कोई लवारिस मवेशी देखा है, अगर भैंस देखा है तो इन्हें जानकारी दे। लेकिन इनका नाम तोशिव है और इनका घर जो है बैरिया दामर में, सुगवा दामर इनका घर सुगवा दामर में है। तोशिव अंसारी हैं। अब इनका जो भैंस है क्या उनका चिन्हासी है, वो चिन्हासी के बारे में हम लोग बात करें। तोशिव जी, कितना दिन पहले ये भैंस आपका बुलाया? 15 से 20 दिन पहले। 15 से 20 दिन कहाँ पर आप लोग क्या चरावरा रहे थे कि ऐसी घर से ही अचानक? घर से अचानक ही मैंने बगल में चलने गई थी, भैंस वहीं से गायब हो गई। तो चरवा कोई था कि नहीं? कोई नहीं था। तो खोल के छोड़ दिए? हाँ, खोल के छोड़ दिए थे। जब मैं खोला चरिए रहा था तो उस समय मानते हैं चरवा कोई चराइए नहीं रहा था, अब ना चरवा चराएगा, तो उस समय कोई चरवा नहीं चरा रहा था, इसलिए खुले भैंस चर रहे थे। हालांकि गर्मी का जो मौसम होता है, खेती गृहस्थी का दिन नहीं होता है, इसके वजह से किसान लोग जो होते हैं उनके घर में जो मवेशियाँ होती है वो फ्री छोड़ देते हैं, जगह जगह पर वो चरने जाती है। वजह ये है कि खेती गृहस्थी नहीं होता है जिसके वजह से। तो इसका खोजने उजने का भी कहीं प्रयास? बहुत प्रयास किए, खोजते खोजते चारों तरफ ढूंढ लिए, कहीं पता नहीं चल रहा है। रंका तरफ भी चारों तरफ घूम लिए, इधर आपका क्या कहते हैं गढ़वा अगल बगल मैंने कहे पूरे, इधर रंका हो गया, रंका साइड में हर एक जगह हो गया, इधर मिराल साइड में, उधर तरफ हो गया, मिराल साइड में हो गया, चारों तरफ ढूंढ लिए, कहीं कोई बता रहा है जब फलना जगह ये, वहाँ जाने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है, पता अभी तक नहीं चला, अभी तक नहीं चला, 22 दिन हो गया बुलाए। अच्छा, भैंस में क्या कुछ चिन्हासी बताए किस टाइप से का था? भैंस जो था 200 भैंस का जो है गर्दन में उसका लगा हुआ है रस्सी था। हाँ, रस्सी था और छोटा छोटा सिंह है, सब काला कलर का भैंस है चारों। तो भैंस का कलर भी दूसरा होता है? हाँ, एक तो होता है ना, एक भूरा कलर, भूरा कलर, चारों ब्लैक ही था, चारों ब्लैक काला था। अच्छा, इसके अलावा आप भी उसी गांव के हैं जी? क्या है इनका, इनका भैंस, इनका अब्बा के भैंस है, एक इनका चाचा के भैंस है, एक काड़ा एक भैंस इनका चाचा के थे और इनका अब्बा के एक भैंस है, एक काड़ी थी, जो कि एक भैंस हम देख रहे हैं कि 15 से 20 रोज में बच्चा देने वाली थी और एक भैंस हम देख रहे हैं कि 2 से 3 महीना बाद बच्चा देगी। इस टाइप के भैंस उन लोग ढूंढते ढूंढते परेशान है, बहुत जगह पर देखे कहीं पते नहीं चल रहा है, जहाँ जहाँ पता चल रहा है वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से पते नहीं चल पा रहा है, बहुत काफ़ी। अच्छी बताइए, जैसे 10 से 15 दिन बता रहे हैं जो बच्चा देने वाली थी, क्या लग रहा है लगभग 15-20 दिन हो गया तो बच्चा भी दे दी होगी? हो सकता है जब बच्चा भी दे दिया होगा, दे भी दे दिया होगा या देने वाला होगा, बच्चा दे भी दे दिया होगा या देने वाला होगा। मतलब कितना लागत, कितना लगभग कितना लागत? कम से कम 1 लाख रुपये का लागत का, 1 लाख का होगा जी, ये चारों भैंस, चारों भैंस। अच्छा, और जो दो बता रहे हूँ किनका है? दो हैं, हमारा चाचा का हुआ दो में। क्या नाम हुआ चाचा का? कमरुद्दीन अंसारी उनका नाम, कमरुद्दीन अंसारी। अच्छा, अभी जो है खेती गृहस्थी नहीं हो रहा है, बरसात भी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अकाल की मौसम है, ये स्थिति में अगर नहीं मिलता है तो आपका भैंस है तो क्या स्थिति रहेगा? बहुत स्थिति दयनीय न हो जाएगा। तब खेती होती आप लोग किए हैं? खेती होती कहाँ हो रहा है, पानी नहीं हो रहा है, तो खेती होती अभी नहीं किए हैं? नहीं, कुछ नहीं किए हैं, भैंसे खोजने में बिजी हैं तो कहाँ से खेती करेंगे, सब तो पूरे घर भर के जितने परिवार हैं सुबह उठ रहे हैं, दिन भर भैंसे खोज रहे हैं, कहीं पता नहीं चल। अभी भी खोजते हैं कि अब अभी भी खार के बैठ गए? नहीं, अभी भी खोजिए रहे हैं। अच्छा, अभी ऑफिस पर जो आए हैं खोजते वोजते हैं कि ऐसे खोजने ही आए हैं ऑफिस पे? अभी बहुत दूर से आ रहे हैं, उधर नावाड़ी तरफ से आ रहे हैं खोज कर, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा, खोजने में भी काफ़ी आप लोग का पैसा वैसा खर्च होता होगा? बहुत पैसा, पेट्रोल डालते होंगे? हाँ, कैसे नहीं खर्च हो रहा है, अभी तक कितना नुकसान में गए? नुकसान में अभी कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का पेट्रोल डाल दिया हम लोग, लेकिन कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिल रहा है।
आपका काम क्या है, क्या चीज़ का है? काम हम लोग वही गाड़ी उड़ी के लाइन में रहते हैं, तनी मनी ट्रैक्टर वैक्टर काट हो चलाते। इसके अलावा किसान भी? हाँ, पिताजी लोग क्या करते हैं? हाँ, वो सब किसानी करते हैं। किसानी, खेती गृहस्थी निर्भर आप लोग क्या है? किसानी पर, किसानी पर। हालांकि इस बात से समझ सकते हैं क्योंकि जो किसान लोग हैं जो गांव देहात एरिया से बिलोंग करते हैं उसकी दिल पर क्या बीत रहा होगा ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर कहीं पर भी जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 10 से 15 दिन के बाद जो भैंस थी वो बच्चा देने वाली थी और तकरीबन अभी शायद वो बच्चा दे दी होगी या फिर एक दो दिन में देने वाली होगी। अगर ऐसी भैंस अगर अगल बगल दिखे या फिर आप लोगों का नज़र में है तो इनका जो है, हालांकि आप जो खबर देख रहे हैं डिस्प्ले पर इनका मोबाइल नंबर भी चल रहा होगा, इनका नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए क्योंकि किसान का अगर बैल भैंस अगर ये चीज़ खो जाता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का एक धड़कन जो होता है, एक दिल जो होता है काफ़ी हताहत होता है और इनकी जो है काफ़ी मजबूती होती है। अगर किसान के पास बैल और भैंस अगर ही रहता है तो इनका एक बहुत बड़ा धन रहता है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक गढ़वा।